ईरान ने पड़ोसियों को दी जंग की खबर। इजराइल की सेना सुरंग देख बौखलाई। मिडिल ईस्ट में मचा भूचाल। क्या विश्व तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रहा है? क्या ईरान सचमुच इजराइल पर हमला करने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका कौन सी भूमिका निभाएगा? आखिर तकनीकी से लैस नए हथियारों से किस तरह से लड़ी जाएगी जंग? ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर जिस तरह से इजराइल ने हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या की, उसके बाद से मानो मिडल ईस्ट में माहौल ही गरमाया हुआ है। एक ओर ईरान इजराइल को धमकी दे रहा तो दूसरी ओर इजराइल भी खुद की मजबूती साबित करने में अड़ा हुआ है। इस तरह से देखे तो विश्व कहीं न कहीं तीसरे वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रहा है। कुछ दिन से लगातार खबरें चल रही है कि ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर बड़ा अटैक कर सकता है। ऐसे में ईरान ने अपने इरादे जाहिर भी कर दिए हैं। इसके साथ ही पड़ोसी देशों को भी इसके लिए चेतावनियां दी गई हैं, तैयारी के लिए बता दिया गया है। वैसे ईरान बदले के लिए इजराइल पर हमला बोलेगा तो ऐसी सूरत में पहले से चल रहे इजराइल और हमास की सीधी जंग में अब ईरान ने भी एंट्री ली है, जिसके बाद मानो मिडल ईस्ट बड़ी तबाही की दहलीज पर आ खड़ा है। अपने ही देश में वीआईपी गेस्ट की हत्या से बदले की आग में सुलग रहा ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर हमला करेगा। ईरान के जंग के ऐलान के बीच गाजा मिस्र बॉर्डर पर कुछ सुरंग मिली है। सुरंग की मदद से ईरान इजराइल पर बड़ा अटैक करेगा। उसने इसके लिए भारी तादाद में हथियार और सैनिकों की भी तैयारी कर ली है। ये जंग साफ तौर पर ऐलान के बाद होगा, लेकिन इस जंग को जीतने के लिए कई खुफिया सुरंग समेत रास्ते बनाए जा रहे हैं, जिससे ईरान को युद्ध में मदद भी मिल सके। बताते चले कि जैसे ही सुरंग की जानकारी इजराइल को लगी, तभी से इजरायली सेना की नींद उड़ी हुई है। हालांकि अमेरिका का साथ इजराइल को मिला हुआ है, तो ऐसे में ये जंग कांटे की टक्कर का होना तो स्वाभाविक है। बताते चले कि इजराइल ने दावा किया है कि इजराइल की सेना ने फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में कई सुरंगों का पता लगाया है। सेना के मुताबिक इस सुरंग की मदद से पहले आवाजाही की जाती थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह से जंग के लिए तैयार कर लिया गया है। इजराइल के इस दावे को मिस्र ने साफ साफ नकार दिया है। उनके मुताबिक गाजा में अपनी नाकामी से ध्यान हटाने और आक्रामकता को सही ठहराने के लिए इजराइल ऐसी बातें कर रहा है। वैसे इजराइल ने सुरंग की बात तो की, लेकिन गाजा सीमा पर सुरंगों के बाबत कोई भी सबूत नहीं दिया है। माना ये जा रहा है कि राजनीतिक कारणों के लिए झूठे दावे किए जा रहे हैं। इसके साथ ही गाजा में बंद सुरंग के अस्तित्व का लाभ भी उठा रहा है। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने मई साल 2024 में फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर अपना कब्जा कर लिया था, जिसका काहिरा ने भरसक विरोध भी किया था। बता दें कि ये कॉरिडोर मिस्र और गाजा के बीच का क्षेत्र है। दूसरी ओर ईरान की ओर से हमले को देखते हुए इजरायली सेना ने भी तैयारियां तेज कर दी है। इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स के चीफ जनरल माइकल कुरेला पहले से ही तेल अवीव पहुंच चुके हैं। इस तरह इजराइल और हमास की सीधी जंग में अब ईरान की एंट्री से मिडल ईस्ट बड़ी तबाही की दहलीज पर खड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।